बात ध्यान दिया कि तुम जीवन में केवल ज्ञान का सहारा लो, ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान पे बैठो, ज्ञान की इच्छा करो और ज्ञान मार्ग पे ही चलो। ज्ञान सबसे पहले क्या ज्ञान लें तो देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राति धीरस्तत्र न मयि। भगवान कहते हैं एक बात अपने दिमाग में ज्ञान की ये अच्छी तरह बैठा लो कि ये संसार, ये शरीर, ये कर्म परिवर्तनशील है, बदलने वाले, और आपके सामने ही बदल रहे हैं। आप इनको बदलते हुए हर क्षण देख रहे हैं। देही नहा, देही माने जीव, जिसने देह को धारण कर रखा है, इस शरीर को पहन रखा है। शरीर को पहनने वाला ये जो जीव है, जिस जीव ने ये शरीर पहन रखा है, इस शरीर को आप जन्म से और आज तक देखो। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। ये शरीर सबसे पहले जन्म लेता है, फिर शिशु होता है, फिर शैशव होता है, फिर बालक होता है, फिर संधि काल आता है, फिर युवा हो जाता है। जन्म से लेके आज तक अवस्थाएं इसकी बढ़ती जा रही है। जब ये पैदा था तब इसका स्वरूप अलग था, जब 6 महीने का हो गया तो स्वरूप अलग हो गया, जब 1 साल का हुआ तो शिशु हो गया, 3 साल का हुआ तो शैशव हो गया, और 8-9 साल का हुआ तो बालक बन गया, बदल गया। फिर आगे चलो, जैसे जैसे आगे बढ़ा, बालक अवस्था पूरी निकल गई, युवावस्था आ गई, ताकत आ गई, तेज आ गई, शक्ति आ गई, और धीरे धीरे वो युवावस्था भी निकल गई, बुढ़ापा आ गया। जब इस शरीर में बालक अवस्था नहीं थी, जब इस शरीर में युवावस्था नहीं थी, जब इस शरीर में वृद्धावस्था नहीं थी, जब ये देखते देखते परिवर्तन चला आ रहा है, तो निश्चित है आगे भी परिवर्तन होगा ही। बालक गया तो युवावस्था गई, युवावस्था गई तो वृद्धावस्था गई। अब वृद्धावस्था के बाद मौत तो निश्चित है, उस मौत को तो कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, मौत तो आनी आनी। जब मौत आएगी तो आप विचार करो आपके साथ क्या जाएगा, आपके साथ क्या जाएगा, आप अपने साथ जाते हुए क्या ले जा सकते। जो रात दिन आपके सामने मरते हैं, जिनकी मृत्यु होती है, वो अपने साथ क्या ले जा, वो अपने साथ कर्मानुगो गच्छति जीवै द्रव्यश्च भूमौ पशुवाश्च गोष्ठे भार्या गृहे वा रिजना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवै। आपके साथ जो अच्छे कर्म करोगे
तो अच्छे कर्म जाएंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म जाएंगे। तो पहले ज्ञान ये लेना है कि ये बदलते संसार में, बदलते शरीर में, बदलते स्वभाव में, बदलते इस संसार के अंदर एक दिन हम जाएंगे, और जब भी हम जाएंगे संसार की कोई वस्तु, चाहे वो धन हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे सोना चांदी हीरा मोती, कुछ भी जाने वाला नहीं। जाएगा कौन? कर्म। फिर तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय कर्म कि जब कर्म साथ जाने वाला है तो कर्म का बोध करो, कर्म का ज्ञान करो, कर्म को पहचानो, कर्म की अंदर तह तक जाओ। कर्मणा हति बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणोगति। तुम अपने ज्ञान से कर्म का विश्लेषण करो, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म खराब, कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म नहीं करने योग्य है। कर्म का बोध आपका ज्ञान करेगा, और उस कर्म के अंदर आप इतने निश्चयवान हो जाओ, इतने दृढ़ी हो जाओ, इतने कर्मठ हो जाओ, होए तो श्रेष्ठ कर्म हो हाथ से, निंदनीय कर्म अपने हाथ से नहीं। जब हम कर्म का बोध कर लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, तो कर्म का रहस्य क्या है भगवान आगे बताते हैं। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य, कर्म की सबसे बड़ी सूक्ष्मता, कर्म का सबसे बड़ा ज्ञान ये है, कर्मणः ते अधिकारः मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तुम सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र हो, जैसे चाहे ऐसे कर्म कर सकते हो, अच्छा कर्म कर सकते हो, बुरा कर्म कर सकते हो, जो चाहे सो कर सकते हो, पर याद रखो उसके फल में आपका अधिकार नहीं। आप कर्म तो कर सकते हो, पर आप ये सोचो कि मैं ये कर्म करूं और उसका ये फल मिल जाए, वो आपके हाथ में नहीं, फल आपके हाथ में नहीं, कर्म हाथ में। कर्म करो और चाहो सफलता हो जाए, वो हाथ में नहीं, सफल भी हो सकते हो, विफल भी हो सकते हो। कर्म करोगे पर आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं जब हमारी इच्छा से हमको फल मिलने वाला नहीं है तो उसकी इच्छा ही मत करो। करना जरूरी है और हमको करना पड़ेगा और हम करके ही मानेंगे, इसलिए आप कर्म तो करते जाओ पर उसमें आशा मत रखो, अपेक्षा मत रखो, इच्छा मत रखो। इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, लिपट जाओगे, बंधन में आ जाओगे, इसलिए कर्म करो खुला छोड़ो। फल की इच्छा मत करो इसलिए कि फल आपके हाथ में नहीं है, आपकी इच्छा से फल मिलने वाला भी नहीं है। आप हजार बार चेष्टा करो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा, और भाग्य में होगा तो न चाहने पर भी मिल जाएगा। भाग्य में न होने पर, न चाहने पर भी मिलता है। हम दुख की इच्छा नहीं करते, हम हानि की इच्छा नहीं करते,
हम मृत्यु की इच्छा नहीं करते, हम पराजय की इच्छा नहीं करते, तो भी पराजय भी होती है, विफलता भी मिलती है, अपमान भी होता है, हार भी होती है, वियोग भी होता है, मरता भी है आदमी बिना इच्छा के। तो ये सब बिना इच्छा के आया ना, बिना इच्छा के, जैसे दुख है, कष्ट है, क्लेश है, बिना इच्छा के आता है, ऐसे ही अगर सुख है तो बिना इच्छा के ही आ जाएगा, इच्छा से आने वाला नहीं है। तो कर्म का ये बोध है कि आप इस बात को निश्चय करके बैठा लो कि मैं कर्म तो करूंगा पर फल की इच्छा नहीं रखूंगा। अब आगे चौथा अध्याय, कर्म संन्यास योग। कर्म के फल का आप निश्चित ही त्याग कर देना, निश्चित। अगर त्याग नहीं किया तो ये समझ लेना आप कर तो लोगे पर करने के बाद भोगने में स्वतंत्र नहीं, भोगने में आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा, आप तिल मिला जाओगे, आप उसको भोग नहीं पाओगे। इसलिए पहले से ही सावधान हो जाओ कि कर्म करो पर फल की इच्छा छोड़िए। मेरा कर्तव्य है करना, इसलिए मैं कर रहा हूं। पांचवा अध्याय, कोई कोई जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं और जब मैं इच्छा भी नहीं करूं और मुझे फायदा भी नहीं हो तो मैं कर्म करूं ही क्यों, मैं तो नहीं करता। लियो जी, कर्म भी करो और आप इच्छा भी मत करो, आप कुछ चाहो भी नहीं और आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखो तो हम कर्म ही क्यों करें। तो पांचवी अध्याय कहते नहीं कश्चित, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृत कार्यते है वशा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुण। भगवान कहते हैं ऐसा सोच के अकर्मण्य मत बनना, एक क्षण, मिनट, आधा मिनट, पौना मिनट, सेकंड तो दूर की बात है, पलक जितनी झपकती है ना, एक क्षण भी इस शरीर के अंदर आए हो तो एक क्षण बिना कर्म के नहीं बैठ सकते। क्यों? यहां आप सजा पाने आए हो, यहां अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हो, यहां आप अपराधी बन के आए हो, आपने जो जो अपराध किए हैं उसकी सजा भोगने के लिए ये संसार एक जेल है। इस जेल में हम सब अपराधी हैं और जो अपराध किए हैं उसकी सजा भोग रहे हैं, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। एक क्षण पश्यन श्रवन सप्रशन जिग्रन नश्नन गच्छन स्वपन स्वजन प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिशन निमिशन। भगवान कहते हैं आप किस किस से पीछा छुड़ाओ, आप बैठे हो ये कर्म, आप खड़े हो गए ये कर्म है, आप लेटे हो ये कर्म है, आप चल रहे हो ये कर्म है, आप आ रहे हो कर्म है, आप जा रहे हो कर्म है, सांस ले रहे हो कर्म है, पलक ऊपर नीचे कर रहे हो कर्म है, ग्रहण कर रहे हो कर्म है, त्याग कर रहे हो कर्म है, आप इसमें से क्या छोड़ोगे बताओ। मैं बैठता नहीं तो लेट जा वो भी कर्म, लेटता नहीं तो खड़ा हो जा वो भी कर्म, खड़ा नहीं होता तो भाग वो भी कर्म है, चल रहा है तो वो भी कर्म है, आप क्या छोड़ोगे। मतलब आप ऐसे फंसे हो कि आप चाहो कि आसानी से या सहजता से छुटकारा मिल जाए, वो सोचना मेरा
ये सोचना ही नहीं। कर्म करने हैं और निर्द्वंद होके कर्म करने। आप जेल चले जाओ, आपसे पत्थर तोड़वाएंगे, रोड़ा तोड़वाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, जो काम आता है वो करना पड़ेगा। ऐसे ही हम यहाँ अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए, फल भी भोग रहे हैं, उसके साथ जो जो अपराध किए हैं, जो जो पाप किए हैं, जो जो दोष किए हैं, कभी मानसिक यातना के रूप में, कभी आर्थिक यातना के रूप में, कभी दूसरी कामना के रूप में, वो सब हमको भोगने पड़ेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं यदि इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हो तो सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं, केवल ज्ञान रूपी नौका पे बैठ जाओ, ज्ञान का आश्रय ले लो, ज्ञान को पकड़ लो तो पार।